बछड़ी कहीं नजर नहीं आ रही है, कहीं वो भी तो विमान, हमें उस कहानी को ढूंढना होगा, वो यहीं कहीं होगी। सलीम भाई रुकैया, आसमा, सुना था बुरे दिनों के बाद अच्छे दिन आते हैं, पर लगता है बगदाद से बुरे दिन जाते ही नहीं। क्या हो गया है सबको? गौर से ढूंढो विवान, तो नागनी यहीं कहीं होगी। अभी तक तो हमें नहीं लक्ष्मी दी थी मिली है ना नागिनी। कोशिश कभी जाया नहीं जाती, कोशिश करते रहो। मैं क्या देख रहा हूं, ये विवान विवान ही है। ये चूजा यहां भी आ गया, इसे भी पत्थर की मूर्ति बना दूंगा, हमेशा के लिए बगदाद में बसा दूंगा। पर इसके लिए मुझे अग्नि का सच अलादीन से छुपाना होगा। चोर, काले चोर, यहां जो कुछ भी हुआ है जाके जफर को बताना होगा। शुक्रिया दूंगी को, तुम भी देखो ना क्या हो गया है। ये कौन है? प्रिंसेस यास्मीन, So nice to meet you. ये कौन सी ज़बान में बात कर रहा है? मछड़िया हमारे साथ है, इसका नाम विमान है, आने वाले कल से आया है। काली चोरी तुम क्या कह रहे हो? ये आने वाले कल से आया और आने वाले कल के काल लोग से बगदाद में तबाही मचाने के लिए जफर जैसा शैतान बहमार आया, जिसने बगदाद में तबाही मचाने के लिए और जफर की मदद करने के लिए अपने जादू से एक सांप जैसी औरत बनाई जो सबको पत्थर बना देती है। और ये सब कुछ मुझे इसने बताया, और ये बीमार का दुश्मन है, मतलब हमारे साथ है। इन दोनों को मेरे बारे में पता चल गया? बस करो। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं सचमुच की प्रिंसेस यास्मीन से मिलूंगा। अब हमें जल्दी से नागिनी को ढूंढना है, चलो। अम्मी, खाला जान, गुल्लू, ये सब सबको क्या हो गया? गुल्लू, गुल्लू, आप फिक्र मत कीजिए, ऊपर वाले पे भरोसा रखिए, उनकी बदौलत हमारी सुल्ताना एकदम सलामत है और मैं उनके साथ हूं, हम सब कुछ ठीक कर देंगे। आप सब घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। नक्चड़ी, एक खुफिया जगह है, मैं इन सबको वहां ले जाता हूँ, तुम जाकर देखोगी ठिकाने में और कितने लोग डर के मारे छुपे हुए हैं। नहीं काले चोर, हम यहाँ खाला जान के साथ रहेंगे। एक्चुअली ये बहस करने का वक्त नहीं है, मैं तुमसे जो कह रहा हूँ वो करो। एक्चुअली जाओ, मेरे रास्ते की रुकावट
तुझे तो मैं देख लूंगी और ये पता लगा के रहूंगी कि तूने इन औरतों को कहाँ छुपा के रखा है, और उन्हें भी पत्थर का बना दूंगी। जाओ नकचुड़ी। मैं सबको वहां ले जाऊंगी, पर मैं तुम्हारी मदद के लिए यहीं रुकती हूँ। नहीं नहीं नहीं, आपको भी जाना होगा। पर मैं आपको अलादीन की कसम। पर जाइए। जी। आखिर सफर को दिखाने के बारे में बताया किसने होगा? सबसे अच्छी बात तो यह है कि किसी के भी कलाई में अम्मी की दी हुई तावीज नहीं थी। ये तावीज कहाँ गई? अलादीन भैया, इन सब सवालों को जवाब हमें नागी नहीं दे सकती है। तो सबसे पहले इस मुसीबत की जड़ नागनी को ही ढूंढना होगा। उसके बाद मुझे तुम्हारे लोग जाकर अपने जीनों को वापस लाकर उसे ठीक करना है। ठीक तो मैं तुझे करूंगी लड़के, जहर देती हूँ, इंतकाम लेती हूँ। मैं नागिनी हूँ, मौत का इनाम देती हूँ। मुसीबतें बहुत हैं और वक्त बहुत कम, और बस एक ही जगह है जहाँ से हमें मदद मिल सकती है। चलो। इतने छोटे से बच्चे को तवज्जो मत दो। हम तुम्हें और तुम्हारी नागिनी को बखूबी जानते हैं, और ये भी जानते हैं कि बहुत जल्द वो अलादीन और विवान दोनों ही पत्थर की बुत बनने वाले हैं। कभी कभी लगता है तिमनासा ने मुझे यहां फंसा दिया है। तभी तुम्हारे राक्षसी दिमाग से निकला कोई ना कोई मोती दिल में खुशी की रोशनी कर देता है। पूरी बात हमारे समझ में तो नहीं आई, लेकिन हाँ पसंद बहुत आई। वाह, अमेजिंग। तो कैमरा भी है। सुपर। पुराने जमाने में भी इतने सारे गैजेट्स और मशीन होते थे। अनबिलीवेबल। क्या क्या होते हैं गैजेट्स और मशीन्स? मेरा मतलब कि ये वो, उन्हें हम मशीन्स कहते हैं और गैजेट्स कहते हैं। आप बताओ अपनी स्टाइल में, मेरा मतलब कि अपने तरीके में, आप इन सब चीजों को क्या कहते हो? गोबर से बनती है खाद, ये सब है बुलबुल चाचा की इजाद। बुलबुल चाचा? बुलबुल चाचा तो स्कूल के टॉपर टाइप, मेरा मतलब कि तू पहुंची हुई चीज लगता है। बिल्कुल, और इस दुनिया में मुसीबत हो ना हो, यहाँ पर उसका इलाज जरूर मिलेगा। चलो उस नागिनी को पकड़ने का इलाज ढूंढते हैं। ये तो कैमरा वाला टैब है। सुपर। जिसे तुम तब कह रहे हो ना, उसे हम पुंत्रू कहते हैं। पुंत्रू? सो फनी। पुंत्रू। सोफनी। सोफनी। ओ हेलो अलादीन भैया, सोफनी नहीं, सो फनी। बात तो वही हुई ना, तैयारी है ना बस। अच्छा ये सब छोड़ो और काम की बात करते हैं। हाँ। बुलबुल चाचा को उस नागिनी ने पत्थर बना दिया, और मुझे पूरा यकीन है यहाँ पर उसे पकड़ने का कोई ना कोई तरीका जरूर होगा।
ये गाना बजाने का वक्त नहीं है, कोई तरीका ढूंढो। तुम मिल गया ना तरीका, सांप और खास तौर पे नागिन किसी की भी शक्ल ले सकते हैं। इसका मतलब इस वक्त हमारी वो दुश्मन किसी की भी शक्ल में हो सकती है, पर भीम की आवाज सुन के नागिन नाचने लगती है और अपने असली शक्ल में आ जाती है, और ऐसा होते ही हम उसे पकड़ लेंगे। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा ये तरीका काम करेगा? टीवी सीरियल्स और हिंदी फिल्म्स की कसम। वक्त नहीं है हमारे पास, तुम्हारी बातें मैं बाद में समझ लूंगा। फिलहाल उस नागिन को बिल में भेजने का वक्त आ गया है। नागिनी, अलादीन और विवान तुम्हें बगदाद की सुल्ताना यास्मीन समझते हैं। अब उनकी इसी बेवकूफी का फायदा उठाओ और जैसे ही मौका मिले बना दो दोनों को पत्थर की मूर्ति। बगदाद अब पत्थर की मूर्तियों की रियासत बन जाएगा। ये लोग कितने खुशनसीब हैं, है ना, कि मेरे जादू का पहला शिकार बनने का मौका मिल रहा है इन्हें। मौके का फायदा उठाओ मेरे प्यारो, बाहर आओ। महल के हालात क्या होंगे इस वक्त? अलादीन और ये छोटी आफत की पुड़िया विवान, इन पे भी नजर रखनी जरूरी है। देखूं तो सही कर क्या रहा है। मीन कैसे बजानी मैं आपको बता देता हूँ। ओ तुम बच्चे हो, मैं ढोल तबला और कान के नीचे सब बजाना जानता हूँ। फिर ठीक है, और वैसे भी मैं इन कपड़ों में मीन बजाता हूँ थोड़ा अनकूल, मेरा मतलब कि अजीब लगूंगा। आप सपेरे लगोगे। बेटी की तुम, मेरे हिस्से की घास मेरी बकरी चल गई, मुझसे होशियारी कर गई। सॉरी। सम सोने की शर्फियों की नाज़नीन बेहोश। मैंने अली साहब और उनके साथ उस अजीबो गरीब लिबास वाले लड़के को देखा था, वहां गए दोनों। नाज़नीन इस बात की शिनाख्त तो करनी होगी। ओए 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 ओए। काबू हो रही हूं, ये आवाज कहां से आ रही है? जल्दी से दिख जाओ, अगर भीम कर लिया काम कर लिया अलादीन भीम इंप्रेस हो जाएंगे।
बस सुन के। ना फन तो एक स्नेक ही कर सकता है। मुमकिन है सुपर चाची। और विवान ने नागिनी को उसके असली रूप में देख लिया। नागिनी बना दो दोनों को भी पत्थर की मूर्ति। विवान, छोटे बच्चों को घर से इतनी दूर अकेले नहीं आना चाहिए, वरना वो मुसीबत में फंस जाते हैं, जैसे अब तुम फंसने वाले हो और तुम उड़ने वाले हो। बाय बाय। अगर ये नागिनी है तो मेरी नकचड़ी कहाँ है? क्या इस नागिन ने उस पर काबू कर लिया है? क्या सफर ने तो उसे कुछ नहीं कर दिया? तेरा खेल खत्म लड़के। नहीं, उसकी आंखों में मत देख रहा। चलो। बिल्कुल नहीं देखूंगा। मुझे नक्षड़ी को ढूंढना है और सच का पता भी लगाना है। सच का पता लगाने के लिए हमें उस अंसर नागिनी को खत्म करना होगा, पर आप ये नहीं कर पाओगे क्योंकि आप इस दुनिया से हो, पर वो नागिनी काल लोक की, और उसे वहां से आया हुआ ही कोई खत्म कर सकता है। ये सब मुझे सफर और भाईमार की बातों से पता चला। ठीक वैसे जैसे आपकी बिना हम वह जीनू जिनको नहीं संभाल सकते। तो क्या तुम नागिनी को खत्म कर सकते हो? नहीं, क्योंकि मैं अभी उतना स्ट्रॉन्ग, मेरा मतलब कि मैं अभी उतना ताकतवर नहीं बना हूँ, लेकिन कोई इतना ताकतवर है कि उस नागिनी को चूरन चटा दे। बालवीर, आप हमें होने की ताकत बचा सकती है। और मेरी अकल? कालीन, जादुई कालीन। जिस जादुई दरवाजे से मैं आया हूँ, हम उसी से मेरे वक्त में जा सकते हैं। अलादीन भैया, मैं जानता हूँ आप यास्मीन नीति के लिए परेशान हो, पर नागिनी को खत्म करते ही वो आपको वापस मिल जाएंगी। Oh,
आगे नहीं, ये देखो कि हर एक इंसान बगदाद का पत्थर की बुत बन जाए, कोई भी नहीं बचना चाहिए। जब तक हम और बैमार ये देखेंगे कि वो अलादीन काल लोक में चला जाए और वहां से कभी लौट ही ना सके। अलादीन आने वाले कल में फंसा रहेगा और यहां असली शहजादी कहां है इस बात का इल्म किसी को नहीं होगा। और हमारे असली खेल का किसी को कभी समझ में नहीं आएगा। हमारे खेल में ये सब भी हमारे प्यादे हैं। बस हमें मंजिल तक पहुंचाने का एक सरिया और कुछ भी नहीं।